यमुना दर्शन यात्रा के एन गोविंदाचार्य जी ने इसकी शुरुआत की है। आज यात्रा महोबा पहुंची है और हमारे साथ में के एन गोविंदाचार्य जी हैं। सर, सबसे पहले महोबा न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने जो एक यात्रा शुरू की है यमुना दर्शन यात्रा, इको सेंट्रिक डेवलपमेंट संवाद है जो, इसका मेन उद्देश्य क्या है? 28 अगस्त से यात्रा शुरू हुई, 18 दिनों की यात्रा है। 14 सितंबर को प्रयागराज संगम में ये यात्रा पूरी होगी। इसमें यमुना जी के हालचाल जानने, यमुना जी के दोनों किनारे पर रहने वाले लोगों के कुशल क्षेम जानने और यहाँ पर नदी का हालचाल समाज के हालचाल से जुड़ा रहता है कहीं भी, इसलिए नदी का हाल जाने तो समाज का भी मालूम पड़े, ये करते हुए एक विशेष थीम पर सबसे बात करता चल रहा हूँ। वो थीम है 500 साल से चली आई हुई विकास के नाम पर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जीवन व्यवस्था जो मानव केंद्रित रही है उसे बदल कर प्रकृति केंद्रित बनाने की आवश्यकता है, इसका प्रतिपादन करते हुए जा रहा हूँ कि वो 500 साल की व्यवस्था अब कालबाह्य हो गई है। उपनिवेशवाद, हथियारवाद, सरकारवाद होते हुए बाजारवाद की शिकार अब दुनिया पूरी तरह से हो चुकी है। इस विषव्यूह में से बचना है तो विकास की कल्पना, संकल्पना और स्वरूप के बारे में ही बुनियादी बदल करने की ज़रूरत है। उसे हम प्रकृति केंद्रित विकास कहते हैं। जमीन, जल, जंगल, जानवर की कीमत पर नहीं, जमीन, जल, जंगल, जानवर के अनुकूल जन का जीवन हो और उसके अनुरूप और उसके लिए ही राजनैतिक और आर्थिक व्यवस्था देश की, समाज की काम करे और दुनिया भर में भारत उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है, ये अपील करता हुआ चल रहा हूँ। ये यात्रा की जब शुरुआत की है आपने, तो इसका जो समापन होगा वो यात्रा कहाँ पर? यात्रा का समापन 14 सितंबर को प्रयागराज में संगम, क्योंकि यमुना यमुनोत्री से शुरू होकर यात्रा होनी थी और यमुना जी के प्रवाह के साथ साथ चलना था, तो ऐसे प्रमुख 18 दिनों में जहाँ जहाँ रुक कर देखना, जानना, बात करना संभव था, अब इसकी परिणति होगी प्रयागराज संगम में। तब तक वो तीन यात्राएं हुई हैं, गंगा जी की यात्रा, नर्मदा जी की परिक्रमा और यमुना जी की यात्रा, तीनों के अनुभवों का, उसमें से निकलने वाले मुद्दों का संकलन तैयार किया जाएगा विजयदशमी तक। उसके बाद समाज की बात समाज से, सरकार की बात सरकार से करने का इरादा है। धन्यवाद। कैमरा पर्सन आशीष अग्निहोत्री के साथ सुमित तिवारी, महोबा न्यूज़।